नमस्कार, लोक रंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में आज भी कई आदिवासी समाज पोषित हो रहे हैं, जिन्हें आधुनिक समाज के साथ कदम मिलाकर तो चलना ही है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे, इसकी भी नैतिक जिम्मेदारी हम सब पर बनती है। इन आदिवासी जनों के जीवन के सभी रंग इनके गीतों नृत्यों के द्वारा आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिमालय में बसे सुदूरवर्ती बौद्धिक परंपराओं के अनुयायी समाज की विशेषता उनके अद्भुत परिधान एवं विशेष नृत्य शैली रही है। योद्धाओं के आदर में किया जाने वाला विशेष नृत्य स्पाव नृत्य और एक अन्य जंगकार नृत्य प्रतीक चिन्हों के साथ सुंदर गायन और लयबद्ध कदमों के परिचायक है।
हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार रोजाना शाम 7 बजे। सिद्धि समुदाय अफ्रीकी मूल के हैं, जो कि सदियों से गुजरात में रह रहे हैं। सिद्धियों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को 300 सालों से संजो कर रखा है, इसलिए अब इनका ये विशेष नृत्य दुनिया भर में किया जाता है। सिद्धि जब सफलतापूर्वक शिकार से लौटते थे तो खुशी में इस नृत्य को करते थे। आइए लुत्फ उठाते हैं सिद्धि धमाल नृत्य का। Thank you.
घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। गुजरात के सिद्धि धमाल के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश का कृदा लोक नृत्य। ये नृत्य मध्य प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा है। जब रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है तब मध्य प्रदेश के गांव में लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इस नृत्य को करते हैं, जिसमें पैरों की लय जैसे जैसे तेज होती है वैसे वैसे नृत्य का आनंद बढ़ने लगता है। आइए देखते हैं कृदा लोक नृत्य। We'll be right back.
ये थी हमारी लोक रंग की आज की प्रस्तुति। अपनी विशेष पहचान और प्रासंगिकता को बरकरार रखते इन लोक कलाकारों की प्रतिभा सदा फलती फूलती रहे, इसी मनोकामना के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।